एजुकेशन.com में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेक्टिफायर डिस्कस करने जा रहे हैं। रेक्टिफायर का काम क्या है? सबसे पहले ये तो सिंपल सी एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले आते हैं टाइप ऑफ रेक्टिफायर, और ये बता दें ये एसीआर रेक्टिफायर है। पीछे हम लोग डायोड रेक्टिफायर के बारे में थोड़ा बहुत कुछ देखे थे। तो इसमें सबसे पहले टाइप में अगर आते हैं तो यहाँ पर सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर है, जिसको हम लोग सिंगल फेज वन पल्स कन्वर्टर भी बोलेंगे। ठीक है, तो वन पल्स या हाफ वेव, ये क्या है? वन पल्स मतलब कि अगर इनपुट मेरा इस टाइप से है तो वन साइकिल के लिए जो मेरा आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा सिंगल वेव ही। ठीक है, यहाँ पर टू पल्स का हमको हाफ वन पल्स मिल रहा है, इसलिए इसको हम लोग हाफ वेव कन्वर्टर बोलते हैं या फिर वन पल्स बोलते हैं। और सेकेंड जो है सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर। फुल वेव में क्या मिलेगा? फुल वेव में डीसी मिलेगा, पर इसमें हमको एक पल्स के लिए दो पल्स के लिए आउटपुट भी दो पल्स से इस टाइप से मिलेगा, तो इसलिए इसको हम लोग टू पल्स कन्वर्टर भी बोलते हैं। तो इसको फिर से हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आर लोड हो गया, आर एल लोड हो गया, और तीसरा हो गया आर एल ई लोड। ठीक है, इसमें से हम लोग फिर आर एल ई लोड को डिस्कस करेंगे। बाकी आर लोड और आर एल लोड हम लोग डायोड रेक्टिफायर में भी देख चुके थे। और उसके बाद यहाँ पर आया सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर। इसको हम लोग फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सिंगल फेज टू पल्स फुल वेव, ये तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद मिड पॉइंट, ये मेरा है मिड पॉइंट कन्वर्टर, जिसका स्ट्रक्चर एक हमने डिस्कस किया था डायोड में। और दूसरा है ब्रिज कन्वर्टर। ठीक है, तो ब्रिज कन्वर्टर को हम लोग डिटेल से देखेंगे। और इसके बाद हम लोग ब्रिज कन्वर्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक कंटिन्यूअस कंडक्शन और दूसरा नॉन कंटिन्यूअस कंडक्शन। नॉन कंटिन्यूअस कंडक्शन में क्या होगा? करंट कुछ समय के लिए जीरो होगा। ठीक है, पर ये जो कंटिन्यूअस कंडक्शन है उसमें करंट कभी जीरो नहीं होगा, वो कंटिन्यू कंडक्ट करेगा। और इस तरह से इसको अगर हम फिर से कन्वर्ट कर लेता है तो इस टाइप से इन्वर्टिंग और कन्वर्टिंग मोड में भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक इन्वर्टिंग मोड और दूसरा इन्वर्टिंग। ये डिपेंड करता है फायरिंग एंगल पर। अगर फायरिंग एंगल अल्फा मेरा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया तो वो मेरा फिर काम करता है इन्वर्टिंग मोड में, अदरवाइज कन्वर्टर की तरह ही काम करता है, एसी को डीसी में ही कन्वर्ट करता है। ठीक है, और दूसरा अगर फेज के हिसाब से देखें तो सिंगल फेज हो गया जिसका टाइप हम लोगों ने देखा इतना सारा, और दूसरा होता है थ्री फेज। थ्री फेज में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि थ्री पल्स कन्वर्टर, और यहाँ पर हो गया सिक्स पल्स कन्वर्टर और ट्वेल्व पल्स कन्वर्टर। इसमें से भी हम कुछ कुछ डिस्कस करेंगे, जैसे थ्री पल्स कन्वर्टर डिस्कस करेंगे और सिक्स पल्स कन्वर्टर भी डिस्कस करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आर एल ई लोड को। ठीक है, आर एल ई लोड हम लोग चलते हैं। तो ये मेरा सर्किट डायग्राम है आर एल ई लोड के लिए। ये मेरा एस सी आर है और आर एल और ई। यहाँ पर हम लोग सोर्स वोल्टेज वी एम साइन ओमेगा टी दे रखे हैं, और सोर्स वोल्टेज का जो वेवफॉर्म होगा उसको हम लोग इस टाइप से दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ई को भी इंडिकेट कर सकते हैं, जो कुछ इस टाइप से होगा। ये मेरा वोल्टेज ई है और ए हो गया सोर्स वोल्टेज वी ए, जो कि वी ए साइन ओमेगा टी के बराबर है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, अगर इस पॉइंट को देखें जहां पर ई और वी एफ मिल रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं ई बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। यहां से साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा ई बाई वी एम, और ओमेगा टी को अगर यहाँ पर थीटा बोले तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्ट ई बाई एम। मतलब कि मेरा करंट इसमें तभी फ्लो करेगा जब वी एम साइन ओमेगा टी ई से बड़ा होगा, या फिर थीटा मेरा साइन इनवर्ट ई बाई वी एम से बड़ा होगा। और अगर हम अल्फा को तो मिनिमम को अल्फा इतना तो अल्फा बराबर थीटा मिनिमम तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी इसमें करंट फ्लो करेगा। अल्फा को अगर और हम थोड़ा सा बड़ा मान लेते हैं
अगर मान लेते अल्फा ग्रेटर देन थीटा, तो ये मेरा फायरिंग एंगल होगा। तो फायरिंग एंगल मतलब इस ओमेगा टी की इस वैल्यू के बाद ही मेरा करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और जो मेरा आउटपुट जो वोल्टेज होगा वो हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। ये पूरा मिलाकर तीनों के जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग वी नॉट बोल रहे हैं। तो वी नॉट अगर वोल्टेज तभी यहाँ पर तो एक बार जब मेरा एसीआर ऑन हो जाएगा, तो ऑन होने के बाद जो मेरा वी नॉट वो डायग्राम कुछ इस टाइप से होगा। यहाँ पर वी ए और ए एसीआर तो शॉर्ट हो जाएगा पॉजिटिव हाफ के लिए, हम सिर्फ पॉजिटिव हाफ लेकर के चल रहे हैं, और ये मेरा यहां से यहां तक जो देगा ये भी आउटपुट देगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फायरिंग एंगल क्रॉस करने के बाद या फिर जब कंडक्ट करना शुरू कर देगा तब मेरा जो भी आउटपुट आएगा वो बिल्कुल सोर्स वोल्टेज ही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ये मेरा फायरिंग एंगल है, इतना जो फायरिंग एंगल हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो अगर हम वेवफॉर्म आउटपुट ड्रॉ करना शुरू करें, आउटपुट का अगर हम वेवफॉर्म ड्रॉ करें तो बिल्कुल ऐसा ही आएगा, उसको कॉपी हमको करना होगा जो कि ऊपर सोर्स वोल्टेज में है, ठीक है, इस पॉइंट का। तो ये इस पॉइंट से सेम टू सेम आएगा, और उसके बाद वोल्टेज क्या होगा, तो उसके बाद मेरा करंट फ्लो करने से जो एनर्जी होगा इंडक्टर में वो स्टोर एनर्जी यहाँ पर अब ये तो निगेटिव हो चुका है, कहने का मतलब कि ये सर्किट तो ओपन हो चुका है। अगर फॉरवर्ड बैच में देखे तो ये सर्किट ओपन हो चुका है, पर यहाँ पर जो इंडक्टर लगा हुआ है इंडक्टर उतना देर तक मेरा चार्ज हो रहा था, अब ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा। तो डिस्चार्ज हुआ तो फिर से एक करंट इसके थ्रू ही फ्लो करेगा, और तब फिर से वोल्टेज जो होगा वो हमको सोर्स वोल्टेज जो यहाँ पर एपियर हो रहा था वो आउटपुट में हमको मिलता ही रहेगा। तो ये यहां तक चलाएगा जब तक ये पूरी तरह से इसको हम लोग डिस्चार्ज जब तक नहीं होगा तब तक वोल्टेज एपियर होने देंगे, तब तक ये मेरा वोल्टेज एपियर होगा। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मेरा सर्किट ऑफ हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव आ गया, जो इंडक्शन था वो भी डिस्चार्ज हो चुका है। तब तो इस तरफ से करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा, जब इस तरफ से करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा तो अब जो आउटपुट में वोल्टेज एपियर होगा वो होगा मेरा ई, क्योंकि यहां पर अब सिर्फ वोल्टेज का यही सोर्स बचा हुआ है, सर्किट यहां से ब्रेक हो चुका है निगेटिव हाफ के लिए। तो इसको हम लोग ले देंगे ऊपर, अरे ई तक चला आएगा, ठीक है, ये मेरा अब वोल्टेज हो जाएगा। यहां से फिर से ट्रिगर किया है, ट्रिगर करने के बाद फिर से मेरा जो वोल्टेज होगा जो सोर्स वोल्टेज था वो एपीआर होगा, यहां पर आकर के जीरो हो गया, जीरो होने के बाद ये निगेटिव गया, और उसके बाद फिर से कुछ इस टाइप से होगा, यहां पर ई हो जाएगा। इस तरह से मेरा आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो एक ई रहेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं करंट, तो करंट तो मेरा तभी फ्लेगा जब ये मेरा एसीआर ऑन होगा, और जब वोल्टेज एपीआर होगा तो जब यहां पर ऑन हुआ है तो करंट मेरा जीरो से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, इसको हम लोग आई आउटपुट बोलेंगे, या फिर सोर्स करंट भी मेरा सेम हो जाएगा, क्योंकि जब करंट इससे फ्लो करेगा तो सोर्स से भी होकर फ्लो करेगा ही करेगा। तो ये हो जाएगा सोर्स करंट या फिर आउटपुट करंट, और यहां से फ्लो करेगा, और इसको अगर पूरी तरह से इंडक्टिव लोड रहता तब मेरा जहां पर वोल्टेज जीरो हो रहा है वहां मैक्सिमम होता, अगर पूरी तरह से इंडक्टिव तो है नहीं, तो इसको हम लोग इस टाइप से ले लेंगे, और जब तक वोल्टेज एपियर हो रहा है तब तक करंट फ्लो करता रहेगा, यहां पर जाकर के जीरो हो जाएगा, ठीक है, निगेटिव करंट नहीं जाएगा, करंट निगेटिव यहाँ पर फ्लो नहीं करेगा एसीआर की वजह से, यहाँ पर ये मेरा करंट जीरो हो जाएगा, और इसके बाद ये जीरो ही रहेगा, और जीरो रहने के बाद फिर से यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और फिर यहाँ पर जीरो होगा, इस तरह से मेरा ये करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आउटपुट जो हमको मिल रहा है सिंगल पल्स ही मिल रहा है, दो पल्स के लिए हम लोग को
एक ही पल्स आउटपुट में मिल रहा है, मतलब एक साइकिल अगर इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ पर हाफ वेवफॉर्म क्रिएट हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग सिंगल पल्स रेक्टिफायर भी बोलते हैं। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं थायरिस्टर के द्वारा जो वोल्टेज जनरेट होगा वीटी वो कैसे होगा। तो जब तक करंट कंडक्ट कर रहा है तब तक तो मतलब इस लाइन में देखिए तो यहाँ पर करंट कंडक्ट कर रहा है, जब तक कंडक्ट कर रहा है तब तक तो यहाँ पर कोई वोल्टेज जनरेट होने वाला नहीं है, निगेटिव वोल्टेज शो नहीं करेगा थायरिस्टर के अक्रॉस, तो यहाँ पर जीरो ही रहेगा। और यहां से निगेटिव वोल्टेज एपियर होना शुरू होगा और ये कहां तक जाएगा, ये मेरा इस पॉइंट तक मैक्सिमम होगा और उसके बाद इसको हम लोग को ऐसे आएगा और यहां पर इसका इस वोल्टेज का जितना वैल्यू है उस वैल्यू से शुरू होगा मैक्सिमम जाएगा और उसके बाद यहां पर जीरो हो जाएगा। जीरो होने के बाद अगर हम इस पोर्शन में आते हैं, ठीक है, एक ग्रीन यहां से शुरू है तो इस पोर्शन में मेरा तब तक वोल्टेज एपियर होगा जब तक कि ये Vm sin alpha e से बड़ा ना हो जाए, Vm sin theta मेरा e से बड़ा ना हो जाए, पर यहां पर Vm sin theta से भी बड़ा है Vm sin alpha, Vm sin alpha Vm sin theta से भी हम लोग बड़ा मान करके चले हैं। तो यहां पर n तब तक पॉजिटिव वोल्टेज शो करेगा थायरिस्टर के अक्रॉस जब तक ये Vm sin अल्फा के बराबर न हो जाए, और जैसे ही ये Vm sin अल्फा से बड़ा होगा कंडक्ट करना शुरू कर देगा, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, तब थायरिस्टर के अक्रॉस पॉजिटिव वोल्टेज जो दिखाएगा वो जीरो दिखाएगा। तो इस टाइप से ये मेरा थायरिस्टर वोल्टेज होगा, ठीक है। तो कुछ समय तक ये पॉजिटिव भी रहेगा थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है और बाकी ये निगेटिव रहेगा। निगेटिव कहां से कहां तक है, ये मेरा Vm sin अल्फा, मतलब एंगल यहां से अगर एंगल देखें तो अल्फा से लेकर के ये जहां तक कंडक्ट कर रहा है जहां तक इसके अक्रॉस जीरो है, जब तक करंट जीरो है, करंट जीरो कहां तक है तो इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 2π plus alpha। अरे हो जाएगा पाई प्लस अल्फा, यहां तक मेरा पाई था, ये मेरा पाई था और यहां तक है अल्फा, ये पाई प्लस अल्फा इसको बोलेंगे, ठीक है। तो टोटल जो ऑफ टाइम हो गया Vt जो ऑफ है अगर हम निगेटिव मैक्सिमम वोल्टेज देखें थायरिस्टर के अक्रॉस तो मैक्सिमम कितना वोल्टेज आएगा, Vm तो आएगा ही और साथ है मेरा निगेटिव Vm और A, जब ये रिवर्स होगा तो माइनस प्लस ये दोनों ऐड होकर के दोनों वोल्टेज इसके अक्रॉस एपियर होगा, तो मैक्सिमम जो निगेटिव वोल्टेज होगा वो होगा Vm प्लस E, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो वोल्टेज आएगा वो आएगा Vm sin अल्फा प्लस E, ठीक है।
या फिर सॉरी इसको अल्फा नहीं बोलेंगे क्योंकि ये मेरा अल्फा तो यहाँ पर ही खत्म हो जा रहा था, ये हम लोग बीटा तक इसको मान के ले कि बीटा तक कंडक्ट कर रहा है, बीटा तक डिस्चार्ज हो रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से हम लोग बीटा इसको मान लिए, यहाँ से बीटा है, तो फिर हम लोग को साइन बीटा ही लिखना चाहिए यहाँ पर, बी एम साइन बीटा प्लस ई। ऊपर में जो मैक्सिमम वोल्टेज एपियर होगा यहाँ पर ये हो जाएगा Vm साइन अल्फा, अगर मेरा अल्फा ग्रेटर देन थीटा रहा तो, अगर अल्फा थीटा के बराबर रहा तो फिर यहाँ पर एपियर जो होगा वो होगा Vm साइन थीटा या फिर E के बराबर पॉजिटिव जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा। ठीक है, अब हम लोग एवरेज आउटपुट वोल्टेज के बारे में सोचते हैं, एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, तो जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं भी आउटपुट इज इक्वल टू 1/2π इंटीग्रेशन ऑफ Vm साइन ओमेगा टी प्लस ई डी ओमेगा टी, या फिर इसको हम लोग अगर अलग अलग लिखे तो बारी बारी से लिख सकते हैं, अलग अलग लिखे तो इस टाइप से लिखेंगे 1/2π इंटीग्रेशन ऑफ Vm साइन ओमेगा टी प्लस 1/2π इंटीग्रेशन ऑफ ई यहाँ पर डी ओमेगा टी डी ओमेगा टी, और यहाँ पर जो होगा अल्फा से लेकर के बीटा तक, अल्फा से लेकर बीटा तक Vm साइन ओमेगा टी ये हो जाएगा, और उसके बाद मेरा ई हो जाएगा, ये होगा कहाँ से कहाँ तक बीटा से लेकर के 2π प्लस अल्फा तक, e मेरा जा रहा है बीटा से लेकर के 2π प्लस अल्फा, तो इसको हम लोग ले लेंगे अल्फा से लेकर के बीटा तक, और इसको लेंगे बीटा से लेकर के 2π प्लस अल्फा तक। ठीक है, अगर कंडक्शन एंगल हम लोग देखें तो कंडक्शन एंगल जब जो करंट मेरा फ्लो कर रहा है वो बीटा माइनस अल्फा यहां से यहां तक, इसको हम लोग गामा एज्यूम कर ले रहे हैं, तो गामा मेरा आएगा बीटा माइनस अल्फा, ये टोटल में से हम लोग ये पार्ट को माइनस कर देंगे, तो यहां से अगर हम इसका वैल्यू निकालते हैं तो ए हमें देगा 1π, Vm को बाहर ही रहने देते हैं, और ए साइन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अल्फा से लेकर के बीटा तक, और ए हो जाएगा 1/2π ये हो जाएगा डी ई इंटू ई को बाहर हम लोग लिख लेते हैं ओमेगा टी, ओमेगा टी कहां से कहां तक वेरी करेगा बीटा से लेकर के 2π प्लस अल्फा तक, तो ये हो जाएगा Vm बाई 2π माइनस कॉस बीटा माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फा, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा प्लस E by 2π, ये आ जाएगा 2π
प्लस अल्फा माइनस बीटा, या फिर वी एम बाई टू पाई कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा प्लस 2π से अगर हम डिवाइड कर दें e तो अंदर ही रहेगा, 2π से डिवाइड करें तो 1 माइनस बीटा बाय पाई इज इक्वल टू Vm बाय 2π कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा और प्लस e रहेगा ही साथ में और a हो जाएगा 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा, गामा लिख सकते हैं गामा बाय पाई। तो ए मेरा आउटपुट एवरेज वोल्टेज हो जाएगा। अगर करंट निकालना चाहेंगे तो आई नोट इज इक्वल टू नो डायरेक्ट लिख सकते हैं वी नोट माइनस ई बाय आर, यहाँ से आई नोट निकल जाएगा और आरएमएस निकालेंगे तो भी आरएमएस तो ए हो जाएगा 1 बाय 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ वी एम साइन ओमेगा टी और साथ में प्लस ई है इसका होल स्क्वायर करेंगे डी ओमेगा टी। तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर आरएलई लोड के साथ। इसमें अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर हम उसे किसी अदर लेक्चर में दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।